हेलो दोस्तों, आज किस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं टाटा टिगोर। आज इसके बारे में ऑल डिटेल रिव्यू हम आपको बताएंगे, क्या प्राइस, कितने वेरिएंट में, कौन से इंजन ऑप्शंस में मिल जाते हैं, कौन सा कलर आपको मिल जाता है, सारा कुछ डिटेल रिव्यू हम आपको बताएंगे। इसका एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल डिटेल। प्राइस की बात करते हैं तो 5,19,000 से स्टार्टिंग है। टॉप मॉडल की कीमत आपको 7,64,000 इसकी टॉप मॉडल की कीमत बढ़ जाती है। टोटल आपको पेट्रोल में 6 वेरिएंट मिल जाते हैं, सीएनजी में आपको टोटल 4 वेरिएंट मिल जाती हैं। ये है पेट्रोल का सबसे टॉप मॉडल ZX प्लस। आज इसके बारे में ऑल डिटेल रिव्यू हम आपको बताएंगे। अगर दोस्तों फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं, फ्रंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको दोस्तों इसका ग्रिल मिल जाता है। बीच में आपको टाटा का लोगो दिया गया है। यहाँ क्रोम गार्निश की पट्टी यूज की गई है जो कि गाड़ी की लुक को बढ़ा देता है दोस्तों। यही दोस्तों अगर जो फॉग लैंप की बात कर लेते हैं जो कि हैलोजन है, फॉग लैंप के सराउंड आपको पियानो फिनिश का यूज किया गया है दोस्तों। तो रेडिएटर ग्रिल की बात करते हैं तो मैट फिनिश के साथ आपको इसका रेडिएटर ग्रिल मिल जाता है। यहीं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। देख सकते हैं इसका ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल। अब बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। नहीं दोस्तों अगर टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो 175/60 R15 इंच के आपको एलॉय व्हील मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाते हैं, रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं दोस्तों। देख सकते हैं इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल, आपको डायमेंशन स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके ORVMs की, तो जो कि इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल आपको ORVMs मिल जाते हैं विथ टर्न इंडिकेटर के साथ, जो कि ब्लैक कलर के साथ इसका आपको ORVMs मिल जाता है। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स मिल जाता है दोस्तों। यहीं ऊपर रूफ में आपको पावर एंटीना का ऑप्शन दिया गया है। देख सकते हैं इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। अब बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल में, रियर में आपको क्या क्या ऑफर किया गया है हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो रियर की बात करते हैं दोस्तों तो रियर में आपको बेसिक सब टेल लैम्प दिया गया है, पे आपको टाटा का लोगो दिया गया है, टियागो लिखा हुआ, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिल जाते हैं। यहीं ऊपर की बात कर लेते हैं तो वाइपर और डिफोगर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्पॉइलर पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको दिया गया है। पियानो फिनिश के साथ आपको दोनों साइड पट्टी लगाई गई है जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक देता है। तो रियर में आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो 32 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है। देख सकते हैं इसका ओवरऑल रियर प्रोफाइल। अब आपको दिखा देते हैं इसका इंटीरियर प्रोफाइल, इंटीरियर में आपको क्या क्या ऑफर किया गया है। तो दोस्तों इंटीरियर से पहले की बात कर लेते हैं। की में आपको 3 बटन्स मिल जाते हैं, लॉक और अनलॉक करने के बटन्स दिए गए हैं। फॉलो मी हेडलैम्प्स मिल जाता है दोस्तों, आप 2 बार प्रेस करेंगे तो हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। आपको दिखा देते हैं ऑन करके, देख सकते हैं 1-2 बार प्रेस करेंगे तो बंद हो जाता है, 2 बार प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाता है। कुछ इस तरह का इसमें आपको फ्लिप की मिल जाता है दोस्तों, देख सकते हैं आप, इसमें आपको लॉक और अनलॉक करने के बटन्स और फॉलो मी हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पीछे में आपको टाटा का लोगो दिया गया है। कुछ इस तरह का हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। अब आपको दिखा देते हैं इसका इंटीरियर। तो डोर की बात करते हैं तो चारों पावर विंडो का ऑप्शन दिया गया है, लॉक और अनलॉक करने के बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश के डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ORVMs के कंट्रोल दिए गए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल हैं। यहाँ पे यही नीचे आपको बोटर होल्डर और पेपर होल्डर दिया गया है। टोटल आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, 4 ट्यूटर्स मिल जाता है। देख सकते हैं इसका ओवरऑल इंटीरियर। इंटीरियर में अगर जो सीट की बात करते हैं तो फैब्रिक की सीट आती है जिसे आप हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यही नीचे दोस्तों सीट के नीचे आप फ्यूल टैंक और बोर्ड खोलने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप बोनेट खोल सकते हैं। देख सकते हैं इसका इंटीरियर। अब आपको ले चलते हैं इसका इंटीरियर में। तो इंटीरियर में स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन, मोड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फोन उठाने का, काटने का, वॉइस कमांड के फीचर्स आपको स्टीयरिंग पे ही मिल जाते हैं। मल्टी फंक्शन आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाते हैं। कुछ इस तरह का इसमें आपको हॉर्न मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपको टाटा का लोगो दिया गया है। यहाँ पियानो फिनिश का यूज किया गया है जो कि काफी अच्छी लुक देता है स्टीयरिंग को। यही स्टीयरिंग के अगर जो राइट साइड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यही स्टीयरिंग के राइट लेफ्ट साइड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाता है। कुछ इस तरह का इसमें आपको दोस्तों MID मिल जाती है जो कि आपको डिजिटल MID मिल जाता है दोस्तों। देख सकते हैं ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह इसका एमिनेशन बन के आता है। इस बटन से आप गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप ए, ट्रिप बी आप यहाँ से सारा कुछ चेक कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा सा आपको डैशबोर्ड मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ट्विटर दिया गया है,
अगर जो म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है, बेस हॉर्स काफ़ी कड़क है दोस्तों। यहीं अगर जो सनवाइजर की बात करते हैं तो ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, पैसेंजर साइड सनवाइजर की बात करते हैं तो वेंटिलेटेड आपको मिरर मिल जाता है। आईआरबीएम की बात कर लेते हैं तो डे नाइट आपको आईआरबीएम मैनुअली एडजस्टेबल आपको आईआरबीएम मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं टोटल आपको 4 पॉइंट एसी बैंड्स मिल जाते हैं फ्रंट में। बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको पियानो फिनिश के साथ और सिल्वर फिनिश के साथ आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको 8 इंच के आपको टचो स्टीरियो मिल जाते हैं दोस्तों, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो प्ले और एप्पल कारप्ले का फीचर्स मिल जाता है। हम आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले का फीचर, रेडियो, यूएसबी पोर्ट, फोन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आपको सारा कुछ फीचर इसमें मिल जाता है। टाटा टियागो की रिवर्स पार्किंग कैमरे की क्वालिटी, रिवर्स में आपको दोस्तों पार्किंग सेंसर आपको नहीं मिलता है, पर रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको कंपनी फिटेड मिल जाते हैं, देख सकते हैं, जिसमें आपको लाइनिंग और पार्किंग लाइनिंग भी आपको दी गई है। तो दोस्तों यही नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आप यहां से अगर जो एसी के फैन रिक्वायर बढ़ाएंगे तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको दिख जाता है। यहां से आप अगर जो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, यहां से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, जितना टेम्परेचर आप सेट करेंगे उसी के हिसाब से गाड़ी गर्म या ठंड हवा देती है। यहां से आप टेम्परेचर सेट करेंगे तो डिस्प्ले में आपको शो हो जाता है कि आपने कितना टेम्परेचर सेट किया है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें मिल जाते हैं। यही नीचे आप मोड चेंज कर सकते हैं, जिस ब्लोअर की हवा चाहिए आप यहां से इसे मोड चेंज कर सकते हैं। यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, उसका ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है। 12 वाट की चार्जिंग सॉकेट दी गई है, यहाँ पर आपको फोन ऑन ईजिली रख सकते हैं फोन ऑन। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको गेयरबॉक्स मिल जाता है, आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। यहीं पियानो ब्लैक फिनिश का यूज किया गया है, गियर नॉब के नीचे आपको पियानो ब्लैक फिनिश का यूज किया गया है दोस्तों, एक अच्छी चीज़ हमको लगी। यहाँ पे आपको सेंटर कंसोल में 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, नॉर्मल सा आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है क्रोम इंसर्ट के साथ, यहाँ पे आपको बोटर होल्डर दिया गया है, देख सकते हैं इसका फुल इंटीरियर। इंटीरियर में ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बटन दिया गया है, आप एक बार प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह का इसमें आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, काफ़ी स्पेसियस नहीं कह सकते पर अच्छा ग्लव बॉक्स दिया गया है, जो कि कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है, देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल की, रियर स्पेस की, रियर स्पेस में आपको क्या क्या ऑफर किया गया है। तो रियर स्पेस में दोस्तों हम आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, मेरी हाइट 6'25" है, दिखा दे कितना स्पेस मिल जाता है। तो रियर में अगर जो रियर डोर की बात कर लेते हैं तो रियर में भी आपको मिरर अप डाउन करने का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप डोर को ऑपरेट कर सकते हैं, बोटर होल्डर और पेपर होल्डर दोनों आपको मिल जाता है। रियर में भी आपको स्पीकर और ट्विटर्स मिल जाते हैं। अब बैठ के दिखा देते हैं इसका स्पेस, स्पेस के मामले में बात करते हैं दोस्तों तो काफ़ी अच्छा खासा आपको लेग रूम और काफ़ी अच्छा खासा आपको हेडरूम मिल जाता है। ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, रियर में आपको कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको दोस्तों फोल्डेबल ग्रेमेंडर्स आपको मिल जाते हैं, दोनों साइड फोल्डेबल आपको ग्रेमेंडर्स मिल जाते हैं। एलईडी लाइट्स आपको मिल जाती है दोस्तों, यहाँ से आप ऑटो डोर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका रियर से फ्रंट प्रोफाइल। अगर जो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की, अब आपको दिखा देते हैं इसका बूट स्पेस। तो बूट स्पेस की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको कोई भी मैग्नेटिक बटन नहीं मिलता है, आप यहाँ से सीट के नीचे इसका बूट स्पेस खोल सकते हैं, आप यहाँ से कुछ इस तरह का उठाएंगे, यहाँ से आप इसका बूट ओपन हो जाता है, सिंपली आप यहाँ से उठा सकते हैं। अगर जो दोस्तों बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, बूट में आप पार्सल ट्रे मिल जाता है, गाड़ी के साथ साथ टूल किट्स भी दी गई हैं, 242 ट्रक आपको बूट स्पेस मिल जाता है। बात करते हैं इसके स्पेड टायर की, स्पेड टायर की बात करते हैं तो 155/18R 13 इंच के आपको दोस्तों स्टील रिम मिल जाते हैं, बाकी चारों टायरों से 2 इंच कम आपको दोस्तों स्टील रिम मिल जाता है। क्या ही कॉस्ट कटिंग किए हैं टाटा वालों ने। तो अब आपको दिखा देते हैं इसका इंजन स्पेक्स, आपको कौन सा इंजन इसमें ऑफर किया गया है। यहीं दोस्तों अगर जो आपको बोनेट खोलना है तो आप यहां से इसका बोनेट कुछ इस तरह इसका बोनेट खोल सकते हैं। अब आपको दिखा देते हैं इसका बोनेट, दिखा देते हैं इसका इंजन। तो दोस्तों टाटा टियागो के इंजन की बात करते हैं तो टोटल आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं,
1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर का सीएनजी इंजन। ये है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। पावर की बात करते हैं तो 84 बीएचपी की पावर निकालता है, 113 एनएम को टॉर्क निकालता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी 23 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो दोस्तों ये थे गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल डिटेल। ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।